रीजन वैसे कि हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आज वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें पे डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत में जो हमने डिस्कस किया था उसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वीवीएम इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वीवी सिक्स जो आपका वीवी सिक्स है, वीवी डॉट नेट है, ये चीजें नहीं है, चाहे वीवी स्टूडियो है, ये नहीं है। क्योंकि ये जो चीजें हैं इनकी मदद से आप जो है एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, बट वीवी एक्सेल जो है खुद ब खुद एक एप्लीकेशन है। तो वीवी के मदद से आप एक्सेल के अंदर कुछ नए फीचर्स को डेवलप कर सकते हैं, कुछ नए फीचर। अब नए फीचर से मतलब हुआ कि इसके अंदर आप जो है हाँ मैक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म जैसे कुछ बना सकते हो। तो क्या क्या बनाइएगा वीजीए की मदद से? तो मैक्रोज, मैक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। तो वीवीए का मान लीजिए एक फैक्ट्री है, तो तीन चीजें बनती हैं। अब इसमें मैक्रोज क्या है? मैक्रो जैसे मान लीजिए कि आप एक काम करते हैं, काम करने के लिए आप पांच स्टेज को फॉलो करते हैं। आप काम करते हैं, काम करने के लिए पांच स्टेज को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उसी स्टेज को आप कोड में लिख देंगे तो आपका मैक्रो क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि मैक्रो एक तरह से ऑटो पायलट है कि वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। फंक्शन, फंक्शन यूज होता है कि आप वी लुकअप, एच लुकअप जैसे जो फॉर्मूला है ऐसे फॉर्मूले बना सके। और यूजर फॉर्म मतलब कि इंटरफेस, पॉपअप, जैसे कि ये पॉपअप आया, इस तरह का पॉप आया, इस तरह के पॉपअप बना सकते हैं। जो पॉपअप होते हैं इस तरह के पॉपअप होते हैं, ऐसे पॉपअप बनाने के लिए यूजर फॉर्म का यूज किए जाते हैं। तो वीवीए की मदद से माइक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म क्रिएट करें, ठीक है? अब कौन सा कब किया जाएगा हम थोड़ी देर में बताते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम वीवीए के इस्तेमाल कहाँ, कब और किसके लिए करेंगे। तो वीवीए का इस्तेमाल बेसिकली हम दो सिचुएशन में करते हैं, रिपीटेड वर्क और लेंथी वर्क। ऐसा काम जो मुझे बार बार करना है, जैसे एक रिपोर्ट है जो कि आपको डेली बेस पे बनाना पड़ता है, डेली आप उस रिपोर्ट को बनाते हो, पहला। दूसरा, ये काम आपके पास आया, जैसे मान लीजिए आपको 25,000 पीडीएफ फाइल बनानी, लेकिन वो फाइल आपको एक ही बार में बनानी, तो दोनों पे हम वीवी यूज करें। तो एक काम जो मुझे बार बार करना है, जैसे आपको एक रिपोर्ट बनानी है डेली बेसिस पे, तो हम वीवी प्रोग्रामिंग का यूज करना। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि छोटा सा एक रिपोर्ट आज ही बनानी है, रिपोर्ट बनाने में एक आध घंटा का टाइम लगेगा, बन जाएगा, तो उसके लिए वीवी प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि वीवी प्रोग्रामिंग में लिखने में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वीवी प्रोग्रामिंग हम ऐसे लिख नहीं देते हैं, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट वीवीए प्रोग्रामिंग यूज ना करेंगे, हम सिचुएशन देखेंगे कि रिपीटेड वर्क है, डेली करना पड़ता है, चलो वीवीए प्रोग्रामिंग लिख दो, टाइम बचेगा। दूसरा, लेंथी वर्क, ऐसा काम आया है जिसको मैनुअल करने में काफी टाइम लगेगा, जैसे 25,000 पीडीएफ फाइल आपको बनानी है। अब 25,000 पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे लग सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वीवी माइक्रो प्रोग्राम। दूसरा आता है किसके लिए। देखिए, अगर फाइल आप अगर फाइल किसी को भेज रहे, तो ध्यान रखिए कि पहले पता कर लें कि सामने वाला बंदा वीवी से फैमिलियर है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक फाइल बना के 100 लोगों को भेजनी है। अब पता चला कि 100 लोग जो है वो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से फैमिलियर नहीं है, उनको वीवीए के बारे में पता नहीं है। तो जैसे ही वीवीए फाइल ओपन करेंगे, उनको सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि डेवलपर टैब में माइक्रो माइक्रो सिक्योरिटी के अंदर ये आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अब ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है,
तो डिसेबल होने के पास के साथ क्या होता है? अगर डिसेबल होता है क्या होता है? जब भी माइक्रो फाइल ओपन करेंगे तो पॉपअप देगा अनेबल करने, सिक्योरिटी अलर्ट। अब जिसके बाद जिसको बीवी पता है समझ जाएगा कि माइक्रो फाइल, जिसके बाद इसको पता नहीं है वो तो बोलेगा भाई फाइल में वायरस है बंद करो इसको। तो आपको क्या होगा कि 100 लोगों में से अगर मान लीजिए 20 लोगों को भी 25 लोगों को भी वीवीए के बारे में नहीं पता, तो 25 को आपको फोन करके मेल करके समझाना होगा। इसलिए आप ऐसी फाइलों पे लास्ट ऑप्शन रखें कि अगर एक्सेल से चीजें नहीं होने वाली है देन वीवीए का इस्तेमाल करके भेजिए। आप खुद के लिए कर रहे हैं आपके सिस्टम पे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी उतना अपने प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। अब बात करते हैं कि वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले सबसे पहले तो हमें डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब अगर नहीं है तो लाने के लिए एक्सेल ऑप्शन में जाएं और यहां कस्टमाइज रिबन में यहां डेवलपर टैब को ओपन करें, पहले चीज। दूसरी, अपना माइक्रो सिक्योरिटी जो है एनेबल करें। लेकिन माइक्रो सिक्योरिटी जो एनेबल कर रहे हैं तो ध्यान रखें, करने के बाद ध्यान रखें कि कोई अननोन पर्सन का कोडिंग फाइल ना ओपन करें। अगर किसी और पर्सन की कोडिंग फाइल ओपन करते हैं तो वायरस रन होने के चांसेस हैं, कोड के रूप में वायरस आ सकते हैं, ध्यान आपको रखना है। तीसरा, जिस फाइल पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है उसको सेव करना होगा और सेव करते समय इसका हमेशा ध्यान रखिए कि फाइल जो है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव हो, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीज आपको लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे कैसे। देखिए आपके डेवलपर टाइप में यहां विजुअल बेसिक दिख रहा है आपको, विजुअल बेसिक। अब हो सकता है किसी में डेवलपर टाइप ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि विजुअल बेसिक नहीं होगा, होगा। तो उसको ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा Alt+F11। Alt+F11 प्रेस करके इसको ओपन कीजिए तो आपकी खुल के आएगा, इसको बोलते हैं VVE, विजुअल बेसिक एडिटर। अब विजुअल बेसिक एडिटर में आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज आएगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगे। ये दो चीज आपको होनी चाहिए, इससे हम नेविगेट करोगे। अब जितने भी फाइल ओपन है सारे फाइल यहाँ पे खुला हुआ है, उनके अंदर जितने भी शीट्स है सारा शीट आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपको कहाँ पे कोडिंग करनी है वहां पे नेविगेट करने के लिए जाने के लिए आपको ये चाहिए। हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपके पास ना हो तो आप यहां से ला सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर और प्रॉपर्टीज के लिए F4। अगर यहां भी नहीं दिखे तो व्यू के अंदर आपको दिखेगा। अब कोडिंग कहां पे करें? देखिए C1 है, जैसे मान लीजिए मुझे कोडिंग करना है Book 1, Book 2 में। Book 2 में पहले आपको फाइल चूज करना है कि किस फाइल में कोडिंग करना है। तो Book 3, Book 2 दो फाइल ओपन है। अगर एक फाइल ओपन होता है तो कोई बात नहीं, बट मेरे पास दो फाइल ओपन, चलो मैं एक फाइल को क्लोज कर देता हूं। तो अब एक फाइल ओपन है तो मैं जब विजुअल बेसिक में जाऊंगा देखिए यहाँ पे Book 3 ही आएगा। अब Book 3 के अंदर देखेंगे कि 3 शीट है, Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3। तो यहां भी आपको Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 दिख रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम प्रोग्रामिंग करें तो करें कहाँ। तो Sheet 1 पे डबल क्लिक करके भी मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन Sheet 2, Sheet 3 या दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी होती है इवेंट माइक्रो की।
जैसे मान लीजिए C2N पे आपने कोई मैक्रो बना दिया, कोडिंग कर दी, तो क्या हुआ, किसी ने अगर C2N को डिलीट कर दिया तो आपकी कोडिंग ही डिलीट हो जाए, क्योंकि सेव तो C2N की प्रॉपर्टी में ही है। या फिर दिस वर्कबुक में कर देते हैं तो क्या होगा, किसी दूसरे फाइल से जो है नहीं ले पाएगा, दूसरे फाइल से जो पाथ होता है, इवेंट होता है, वो नहीं ले पाएगा, इसलिए हम इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। तो प्रोग्रामिंग करेंगे कहां पे, तो प्रोग्रामिंग करेंगे मॉड्यूल्स में, इंसर्ट में जाना है मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में प्रोग्रामिंग करने से हाँ ये आपकी फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है और इजीली हम आपस में किसी भी फाइल से किसी भी सीट से हम लिंक कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग में पहले क्या लिखे, सबसे पहले आपको माइक्रोज क्रिएट करने हैं, तो माइक्रोज क्रिएट करने के लिए आप पब्लिक सब या डायरेक्ट सब लिखिए और स्पेस देके यहां पे आप अपना माइक्रो नेम लिखिए, जैसे कि मैंने यहां पे यहां पे मान लीजिए टेस्ट कर दिया। अब ध्यान देखिए, जब भी आप माइक्रो लिखे तो माइक्रो के बीच में जो है कोई तरह का स्पेस डैश डॉट ऐसे स्पेशल करेक्टर ना दें, माइक्रो नेम कभी भी स्पेशल करेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है सिवाय सिर्फ अंडरस्कोर को। अब करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा और नीचे आपका एंड सब लिखा हुआ आ जाएगा, और आप अपने एक्सेल में जाएंगे और व्यू के अंदर या डेवलपर के अंदर जो माइक्रोज है इस पे क्लिक करोगे तो लिस्ट में आपके सामने माइक्रोज दिख जाएगा, ठीक है, ओके सर। दूसरा, माइक्रो नेम में आप 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं देंगे, जैसे मैंने मान लिया सब्जेक्ट राज 1 कर दिया, राज 1 नाम गलत है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, जैसे आप इसको रन करने के लिए जाएंगे ये देखिए आपका राज 1 नाम का रेफरेंस यहाँ दिख रहा है आपको सर, पिछला गया, क्योंकि राज 1 नाम का ऑलरेडी सेल एड्रेस होता है, इसलिए रन करने में प्रॉब्लम हो गया। तो 3 करेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो कॉलम का लास्ट कॉलम होता है XFD होता है, मतलब कि 3 करेक्टर जो है एन अल्फाबेटिक ये नहीं होना चाहिए, उन दोनों के बीच में अगर जरूरी है तो यहां अंडरस्कोर लगा, राइट सर। अब प्रोग्रामिंग करने का कोई प्रोसीजर होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर है, चलिए उस प्रोसीजर को बताते हैं। सबसे पहले आता है एनालिसिस, दूसरा आता है एल्गो एल्गोरिथम, उसके बाद आता है आपका कोड टेस्ट, एरर आया तो रीकोड एंड रीटेस्ट, then apply। ये आपके किसी भी प्रोग्रामिंग का स्टेप है। LSS पहले आप प्रॉब्लम को समझे, समझने के बाद उसका बनाने का शॉर्टेस्ट तरीका निकालें, फिर उस तरीके को आप कोड करें, ठीक है, उस तरीके को कोड करें, उसका एल्गोरिथम मतलब उसका स्टेप निकालें, देन उसको कोड करें, टेस्ट करें, रीकोड, अगर कोई प्रॉब्लम होती है टेस्ट पास नहीं होता है तो उसको रिकोड करें, रिकोड को चेंज करें, देन रीटेस्ट करें जब तक कि आपके कोड सही तरीके से वर्क नहीं होता, अप्लाई, उसके बाद आप उसको अपने रिपोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एनालिसिस आपके दिमाग के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप सोचते हो, कैसे निकालते हो। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का एक स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे A1 पे कर्सर रखना है, नेम लिखना है, B1 पे कर्सर रखना है, रोल नंबर लिखना है, C1 पे कर्सर लिखना है और मार्क्स लिखना है, तो मुझे इसका एल्गोरिथम बनाना होगा। सबसे पहले स्टार्ट मतलब कि डिक्लेयर द माइक्रो, सेलेक्ट नेम, एंटर, सेलेक्ट A1 होगा, माफ कीजिएगा, सेलेक्ट
A1, enter name, select C1, enter role, C1 में B1 होगा, select C1, enter marks, यहां पे। अब बोलोगे सर एक जरूरी क्या है? देखिए क्या होता है, दो चीजें यहां पर। पहली चीज कि मान लीजिए कि आपने आपका खुद का कोई माइक्रो, खुद का कोई काम है, उस पर माइक्रो बनाना चाहते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप दरअसल से माइक्रो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक फॉर एग्जांपल अगर किसी और का है, किसी और ने आपको कोई काम बोला तो उसने बताया तो सारा काम याद थोड़ी रहेगा आपको। अब उसको लिखेंगे तो उसके काम को इस तरह के स्टेप में लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह के स्टेप में लिख दीजिए। इस तरह के स्टेप में लिखने से क्या होगा कि आपको हर उसका हर एक प्रोसीजर याद रहेगा, उसी हिसाब से आप कोड करें, ठीक है राजेश जी? जी सर जी, आपको समझ में आया सुधीर जी? हाँ सर आया था मैं। तो अगला काम आपका क्या है? एल्गोरिदम तैयार करना। आपके जो ऑफिस में प्रॉब्लम होती है उनके एक सटीक एल्गोरिदम अपने नोटपैड पे तैयार करके उसकी फोटो खींच के मुझे भेजें।